भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि सब जनन का पतो है भैया रो कि आज 27 तारीख था हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दीक्षित जी को छतरपुर आगमन भव है। अब वे महाराजा छत्रसाल का माल्यार्पण करके नमन करके अपने आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जो भैया सब जने जानत हैं, सबका पतो है कि महिला सम्मान के लाने बुंदेली चुगली ने जो बीरा उठाओ तो जो लड़ाई लड़ी है वही को समर्थन करवे आज झांसी से दीपक दीक्षित हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष छतरपुर आए हैं। और उनको यही कहवो है कि हम ही मामला में तुम्हारे सहभागी हैं, तुमने मुद्दा बहुत अच्छा उठाओ है बुंदेली चुगली को, ने आभार प्रकट करो कि कम से कम एक महिला के लाने और महिला की शान बान इज्जत के लाने जो बुंदेली चुगली कर रही उनको हम समर्थन कर भी उन्हें हमें ऐसा आश्वासन दो। और वही क्रम में वे आज छतरपुर आए हैं। महाराजा छत्रसाल की पावन पवित्र नगरी छतरपुर में आज वे विराजे हैं। माल्यार्पण के बाद में इनको अगलो कार्यक्रम है प्रियंका रणवीर पटेरिया के सीधे घरे जाके बहन प्रियंका से सीधो संवाद हुई है। एक एक बात को खुलाओ हुई है, एक एक बात खोली जे है। और हम आपका बता दें कि बुंदेली चुगली कि कबहू को से ना कोनु दुश्मनी है, ना हमारी रंजित है, ना व्यक्तिगत है, ना कछु है। हम लड़ाई लड़त हमेशा न्याय की लड़ाई लड़त, ईमानदारी की सच्चाई की लड़ाई लड़त। उमें कितने दबाव डारो, जान से मरवा दो, जेल भेजवा दो, बुंदेली चुगली कोनु परवाह नहीं करे। जो मर्जी जी की मर्जी आए कर सकत, उके लाने खोलो मंच है। लेकिन बुंदेली चुगली सच्चाई दबा नहीं सकत। अगर खबर है तो खबर चल है बुंदेली चुगली, खबर चला है बुंदेली चुगली, खबर के लाने जानी यार। हमारी रणवीर पटेरिया से कोनो दुश्मनी नहीं है, न कोनो विरोध है, भाई है हमारो। हम नहीं चाहत के जो मुद्दा बढ़े, लेकिन परिवार को मुद्दा है तो परिवार में निपटा लो, मीडिया में आओ है। जब प्रियंका हमारे ऑफिस आई कि हमारी जब परेशानी है तो एक मीडिया एक पत्रकार के नाते हमारा धर्म बनत कि अगर बहन परेशान है तो वो मुद्दा हमें उठाने, और हमने मुद्दा उठाओ। ये लड़ाई का हमें तो नहीं रोक सका जब तक कि ईमानदारी के साथ इंसाफ हमारी बहन का ना मिले। जब तक प्रियंका का इंसाफ ना मिले तब तक जब लड़ाई बुंदेली चुगली की जारी रहे। आज जब लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों का सब दिखवाओ जा रहा बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति छत्रसाल चौक से है जी, खा डाक खाना चौराहा बोलत अपन सभी जने। उतर से लाइव प्रस्तुति के माध्यम से जो हम आपका दिखवा रहे हैं, और जे है भैया, जे है भैया, अब थोड़ी ऐसी आ जाओ, जे है भैया। हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दीक्षित जी, जैसो को उनको नाम है, दीपक को नाम का है रोशनी दिखावो, जहाँ अंधकार है अंधकार का मिटा के रोशनी दिखावो। तो भैया रणवीर पटेरिया प्रियंका पटेरिया को मामला उनके संज्ञान में आओ। बुंदेली चुगली ने खबर चलाई, बुंदेली चुगली की खबर को उन्हें समर्थन करो कि बहन खान न्याय दे बाबू, हम धर्म बनत। अब जब लड़ाई इतने स्तर पे पहुंच गई कि उन्हें झांसी से दीपक दीक्षित जी हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए हैं भैया छत्रसाल महाराज की पावन भूमि में, उनको स्वागत है बुंदेली चुगली तरफ की तरफ से, अभिनंदन है, वंदन है। अब हम उन्हीं से जानबी की आगे की रणनीति का है, उनके आवे को कारण का है। तो दीपक जी पहले तो बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है, आभार है छतरपुर की जनता की तरफ से, छतरपुर वासियों को मेरा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज आपको छतरपुर आवे को कारण का है? कारण ये है कि हमारी एक बहन है प्रियंका पटेरिया, सूचना मिली हमें उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, और 9 वर्षों से एक समय होता है बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, महिला हो या पुरुष हो अन्याय को, 9 वर्षों से उन्होंने बर्दाश्त किया, और जब बर्दाश्त की एक सीमा पार हो गई तो उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, शासन प्रशासन से उन्होंने मदद मांगी। जब उनको पर्याप्त मदद नहीं मिली तब उन्होंने हनुमान सेना से हमसे मदद मांगी, और इसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग अभी उनके घर पहुँच रहे हैं, उनको साथ में लेकर के पहले तो आज उनकी FIR दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि अभी तक 9 वर्षों से जो आप समझ लीजिए, अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी महिला को अवैध तरीके से साथ में रहता है तो आपराधिक मामला बनता है, ये सीधा सीधा FIR दर्ज होनी चाहिए उसके ऊपर, और अभी तक जो है कोई FIR नहीं दर्ज हुई है, ढीला ढवाली है प्रशासन, कानून किस प्रकार कार्य कर रहा है
इस पर भी अपन लोग चर्चा करेंगे, वहाँ बैठ करके उनसे बात करेंगे। इसके बाद एसपी साहब को ज्ञापन देना है, एसपी साहब को ज्ञापन देना है कि इसमें जो भी ढीला ढवाली हुई है, कार्यवाही जो भी अभी लंबित है, उसको जल्द से जल्द कार्यवाही कराई जाए। और उनको 10 दिन का समय दिया जा रहा है ज्ञापन में, अगर 10 दिन में कार्यवाही नहीं हुई सही से तो 10 दिन के बाद हनुमान सेना आज 10 गाड़ियों में आई है, 10 दिनों बाद 100 गाड़ियों में आएगी और बहुत बड़ा आंदोलन करेगी छतरपुर में। हम बड़ी शर्म आती है हम लोगों को कि अपने हिंदू भाइयों के लिए हमको ऐसे लड़ना पड़ रहा है। और छतरपुर वासी, मैं सभी से आग्रह करूंगा बुंदेली चुगली के माध्यम से कि आप सभी लोगों के सहयोग के बिना, आशीर्वाद के बिना ये लड़ाई संभव नहीं है। सभी हमारे भाई आगे आएं, इस लड़ाई में सहभागिता दिखाएं ताकि हमारी बहन प्रियंका पटेरिया को न्याय मिल सके। और ऐसा न्याय मिले कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत ना जुटा सके। तो इसके बाद एसपी साहब से मिलने के बाद हम लोग डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे। उनको ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण हम लोगों ने एक बात ये रखी है कि प्रियंका पटेरिया जी शिक्षित हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनको सरकारी नौकरी जो है सरकार की तरफ से कहीं किसी भी विभाग में उनको दिया जाए, ठीक है, ताकि वो अपना जो है आगे का जीवन किसी पे आश्रित ना होकर के स्वयं आत्मनिर्भर होकर के अपना जीवन आगे निर्वाहन कर सके। दीपक जी, एक सवाल है जी, बताइए कि नजर को इलाज तो है लेकिन नजरिया को कोनो इलाज नहीं है, तो रणवीर का पटेरिया के नजरिया के बारे में आप कुछ क्या कुछ? अब इस विषय पे तो हम लोग जो है चर्चा करेंगे विस्तार से आपके स्टूडियो में चल करके, ठीक है। अभी पहले हम बहन से मिल लें, अपनी हालचाल जान लें, कितने कष्ट में है वो देख लें। और सबसे अहम बात, जो मकान बेचा है वो मकान की रजिस्ट्री भी जो है प्रियंका दीदी के नाम बहुत जल्द करवाई जाएगी, ये हनुमान सेना का वादा है। भैया ये है दीपक दीक्षित, हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसो को उनको केवो है, चैलेंज है कि हम बहन प्रियंका खां इंसाफ देवा के रे भी बुंदेली चुगली यही के लाने जानो जात, भैया सच्चाई के लाने जानो जात, निडर निष्पक्ष निर्भीक चैनल के लाने जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलेंगे। तो भैया जी, लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम एक एक अपडेट आप लोगों के पास पहुंचा भी, एक एक मिनट को अपडेट आप लोगों ने पहुंचे। बुंदेली चुगली लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आज की जो खबर पूरे दिन जो चल है, जो भी घटनाक्रम है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करो जो है। अब भैया अध्यक्ष महोदय जा रहे प्रियंका के घरे जा रहे, रणवीर प्रियंका पटेरिया अब पहुँच रहे जो उनके घर है, कोते का वार्तालाप हो रहा वो भी हम लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों का देखवा भी। तो अब जब लाइव प्रस्तुति हमें तई रोक रहे तई समाप्त कर रही के बाद उनके घर से हम फिर से लाइव प्रस्तुति दे भी आप लोगों ने कहा, तब तक के लाने भैया हरो सभी जन का हमारी